नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। साइक्लोन यास तेजी से उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान यास के उड़ीसा के धामरा में आज सुबह 11:01 पर के आसपास टकराने की आशंका है। तूफान के मद्देनजर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यास नाम का ये तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान जब तट से टकराएगा तो उस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश भी जारी है। कुछ ही घंटों में चक्रवाती तूफान उड़ीसा के तट से टकराएगा और यास चक्रवात तूफान की वजह से खराब हुए मौसम की वजह से भी कोलकाता एयरपोर्ट से आज सुबह 8:30 से उड़ने वाली सभी फ्लाइटों को शाम 7:45 तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं भारतीय रेलवे ने उड़ीसा बंगाल की सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। बता दें, तूफान के अलर्ट की वजह से उड़ीसा बंगाल के अलावा बिहार और झारखंड की भी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कोरोना महामारी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में काला दिवस मनाने का आह्वान किया है, क्योंकि आज ही उनके विरोध प्रदर्शन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों ने भी देशवासियों से समर्थन मांगते हुए उन्हें अपने घर पर वाहन पर काला झंडा लगाने और मोदी सरकार के पुतले जलाने की भी अपील की है। किसानों के इस आह्वान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा है कि हमने किसानों से अपील की है कि जिस तरह कोरोना में दुर्दशा हुई और लोगों की जान गई, इसीलिए कोई कार्यक्रम या भीड़ जुटाने की वजह से वो स्थिति फिर से पैदा ना हो। प्रदर्शन करने या लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करेगा या कोरोना नियमों को तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सीमाओं पर यानी धरना स्थलों पर सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा हमने एहतियातन सुरक्षा और बढ़ा दी है। देश भर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन का काम जोरों से किया जा रहा है। इसी क्रम में तेजी लाते हुए राजधानी दिल्ली में अब आपको वाहन में बैठे हुए ही कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की सुविधा भी मिलने वाली है। देश के पहले ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र का शुरुआत आज दिल्ली के द्वारका में आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज से शुरू होगा। दिल्ली में आज से शुरू होने जा रहे ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। इसका उद्घाटन आज सुबह 11:30 पर द्वारका सेक्टर 14 के वेगास मॉल में किया जाएगा। आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के तहत कोविशील्ड की 30,000 खुराक खरीदी है, जिससे 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच वैक्सीन निर्माता विदेशी कंपनियों की ओर से अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर इस साल यानी कि 2021 में भारत को वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है। फाइजर इसके बदले कुछ रियायतें चाहती है। जानकारी के मुताबिक फाइजर साल 2021 में ही वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कंपनी क्षतिपूर्ति साथ ही महत्वपूर्ण नियामक छूट चाहती है। एक अन्य अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना अपनी सिंगल डोज वैक्सीन अगले साल तक भारत में लॉन्च कर सकती है। देश में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स हैं। ऐसे में अगर इन यूजर्स को पता चलेगा कि आज से ये सभी प्लेटफॉर्म्स बैन हो रहे हैं तो क्या होगा। दरअसल कल यानी 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने के लिए डेडलाइन समाप्त हो गई है। वहीं अब केंद्र की नई इंटरमीडिएरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं इस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले सोशल मीडिया फेसबुक ने अपने बयान में कहा कि वो सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है और इसे लागू करने के लिए वो कार्यरत है। फेसबुक ने यह भी कहा कि नई गाइडलाइन को लागू करने को लेकर उसकी सरकार के साथ चर्चा भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। वहीं भारतीय ट्विटर कहे जाने वाले कू ऐप सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।